सिंपल में बात करें केमिकल इक्विलिब्रियम के नेक्स्ट वाले एग्जांपल में जहां पे क्वेश्चन दिया गया है फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इज अ गैसियस फेज CO2 प्लस हाफ ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में है टू फॉर्म CO2 Kp अपॉन Kc इज ऑप्शन दिए हैं RT हाफ RT माइनस हाफ RT RT माइनस वन ये चार ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन का आंसर बताना है तो देखो बच्चों ध्यान से देखो क्या करना है आपको डेल्टा n की वैल्यू बताना है एक्चुअली डेल्टा n मतलब क्या फॉर गैसियस देखो गैसियस के लिए यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स वन है यहाँ पे हाफ है हाफ वन है और यहाँ पे कुछ नहीं मतलब वन है तो देखो प्रोडक्ट में नंबर ऑफ मोल्स वन है ये प्रोडक्ट है ये जो है ये प्रोडक्ट है और ये आपके रिएक्टेंट हैं तो प्रोडक्ट क्या है आपका वन है माइनस रिएक्टेंट क्या है ये वन CO1 हाफ ऑक्सीजन प्लस वन बाय टू तो हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या बनेगा टू प्लस वन अपॉन टू बन गया ये नीचे दिख रहा है क्या वन माइनस थ्री अपॉन टू तो अगर इसको हम कैंसिल करेंगे कितना आएगा आपका आंसर 1.5 तो क्या बनेगा आंसर 1 माइनस 1.5 तो आंसर कितना आया माइनस 0.5 मतलब आंसर कौन सा है आपका मतलब माइनस 1/2 मतलब आपका बी जो है आंसर है समझा क्या मेरी जान